ऐसा ये फट गया अंदर, ये अंदर घुसे हुआ है, ये बचाने के खातिर मैं तालाब में कूदा, तालाब में से निकाल के लेके आया, ये गले पे भी वार है पूरा, मुंह पे भी है। परेशान कर रहे भाई, नशे के गोलियां खा ले रहे हैं और जिसमें गांजा पी रहे हैं। हमला करने वालों पे पहले कुछ कैसा है क्या? हाँ, बहुत कैसा है, ये कैसा है, ये फट गया अंदर, ये अंदर घुसे हुआ है, ये बचाने के खातिर मैं तालाब में कूदा, तालाब में से निकाल के लेके आया, ये गले पे भी वार है पूरा, मुंह पे भी है। और पीएस से इंसाफ होना, ये से तो इंसाफ होना है। पुलिस वाले आके अब तक बयान नहीं लिए इनका। पुलिस वालों को बोला मैं, नहीं आए। मैं बोला दो जनों को, चलो साहब मेरे को ऐसा लगा आ रहे हैं मारने, बोले तो नहीं आए, जान का धोखा है, बोले तो भी नहीं आए पुलिस वाले। फिर पलट के यहाँ पर आ गए, लगा तीन चार जने मेरे को मारने, रिले से आ गए, यहाँ पर भी आया, हाँ हॉस्पिटल में भी लगा, ऑलरेडी आ गए। पुलिस का एक्शन ही नहीं है, ला देते पुलिस वाले, एक्शन नहीं ले रहे। आए भी नहीं पुलिस वाले, बच्चे के संगत मटर होने के बाद में भी नहीं आ, खून देख के दुनिया का खून जा रहा, बच्चे आने से पहले उल्टा उन लोगों का कंप्लेन कर रहे, क्योंकि पुलिस में मामूल जा रहा बोल के कंप्लेन कर रहे हैं। पुलिस वाले भी एक्शन नहीं ले रहे और उन लोगों को हद से ज्यादा लोगों को बस्ती में से हकाल दिया तो अच्छा है। कुछ भी नहीं है, तालाब का नहीं कैमरा, तालाब में हकाल दिया अभी मार के, अभी तालाब में थे तो मैं खींच के निकाला, बच्चा निकाला अभी तालाब के अंदर, तो मैं खींच के निकाला। अब एक्शन लेना आप लोग नहीं लेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। साहब से कमीशन साहब से उन्हें डर के मारे बाहर नहीं आ रहा, तो मैं खींच के लाया बाहर तालाब में। पकड़ना लोगों को, लाना पीएस के अंदर, नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरे घर जला डालते हैं। फिर अगर तुम लोग एक्शन नहीं लिए तो इंसाफ होना हम लोगों को, बस अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो देखो आज ये काम होता है, बच्चे के संगत कल दूसरा बच्चा रहता, दूसरे बच्चे को भी मारते क्या लोग, धमकियां देके खाली नशे के गोलियां खा के परेशान कर रहे भाई, नशे के गोलियां खा ले रहे हैं और जिसमें गांजा पी रहे हैं। ये हमला करने वालों पे पहले कुछ कैसा है क्या? बहुत कैसा है, ये कैसा रोडी शीटर है, लगा रोडी शीटर बच्चा है। खुर्रम तो बुरे बुरे गालियां दिया, मेरे सामने देखा, मैं कुछ नहीं कर सकते, नशे के गोलियां खा ले रहे, हम क्या दे रहे हम लोगों को। हमला कर रहे सालों, मैं तो देखा मेरे भाई को बचाने गया तो टाइम पे, एक बादशाह खान है खुर्रम, एक जाकिर एक है अरशद है, मैं गड़बड़ी में शिमला सुधरा वहाँ शिमला है, कहते किसका के नाम रफीक, रफीक है, रफीक है कहते, अपना कौन से पीएस में कंप्लेंट करा, नाजीना नगर पीएस में करा, मैं करा कंप्लेंट, कौन से पुलिस वाले, कौन से पुलिस वाले बोले लेके जाओ, अगर नहीं आए तो खड़ा चला लेते हम लोग, रिपोर्ट लेके लेके आके बाद में एक्शन लेते हैं, यहां तो जबरदस्त बोले, मैं बोला साहब आप चलो बोल के ले लिए, जो अटैक कर रहे हैं उनकी कंप्लेंट पहले लोगों की ले लिए, बाद में हम लोगों की आई भी नहीं, हम लोगों के संगत के जाके पहले कंप्लेंट, हां हां उन लगा बोल रहे हैं, बच्चे का ने 50,000 रुपए है टिकट के पैसे, टिकट के पैसे भी खींच लिया मार के, मेरे को फ्लैट है उसका, फ्लैट है पूरा, हालत हो गई, अब दो दो बेटियां, 50,000 रुपए है, 50,000 भी होना वो पीएस में हमारे को, 50,000 भी होना, नहीं तो फिर हम लगा कर नाम क्या, हमला करने वालों का नाम क्या क्या है, बादशाह खान है, एक बल्ला खान है, एक जाकिर है, एक शिमलान बोल के वहीं रहते, एक मर्डर केस करे 387 लोगों की सीटा ओपन है, और लेडी होते पर भी नशे में गोलियां खा के वो खा के पैरा नहीं टिक रहे, फिर आगे मेरे ऊपर वार कर दिए, गांजा गोलियां खा लेंगे शराब पी लेंगे, नाजायज के जायज़ भी नहीं है, कंप्लेंट करे हाँ कर दिया साहब, मेरे से पहले एक घंटा पहले कंप्लेंट भी हो गई, मेरे से पहले वहाँ जाते कि पुलिस वाले बोले तेरे नाम की कंप्लेंट, एक घंटा पहले भी बोले, तो बोला साहब मैं कराइश नहीं, मैं घंटे से काम मेरे घर बस्ती में आ गए, इंक्वायरी कर लो बोला, मैं आपको मार के जाके पहले वो लोग पहले कंप्लेंट करके आगे मेरे को मारे साहब, कंप्लेंट करके आगे मारे, मेरे को कंप्लेंट करके आगे मारे, मैं कंप्लेंट करने गया तो लगा ऐसा बोले पुलिस वाले, मेरे दखमा देखते कि अरे प्लानिंग करे ना कि जा बोल के ऐसा लिख के भेजा।